कितने रुपए के लगभग लगभग आपको चोरी हुई है? हमारा चोरी हुआ अभी अभी तक 1.5 लाख के करीब में, कहे कि एकरा पूर्व भी चोरी हुआ था 3.5 लाख के करीब में। ये चोर कैसे चोरी को अंजाम दिया है, इधर आइए। सबसे पहले नीचे देखिए, जितने भी गुल्लक थे गुल्लक को पूरा फोड़ कर उसका जो टुकड़ा बचा हुआ है यहाँ पर, और टोटल सामान को बिखेर दिया। और इधर देखाइए, इधर जो प्लाई का रैक बना हुआ था प्लाई को तोड़ा है, ऊपर अल्वेस्टर था, अल्वेस्टर को तोड़ हटा कर उसको फोड़ा गया, और फोड़ के ऊपर से आकर इस अंदर दुकान में घुसता है, और लाखों की मोबाइल जो रखा हुआ था यहाँ पर 70 से 80 पीस मोबाइल को चोरी किया। इसमें टोटल रैक में मोबाइल लगा हुआ था, टोटल मोबाइल यहाँ से खत्म हो चुका है, यानी कि चोर पूरा चोरी करके ले गया। हमारे पास 80 को मोबाइल था, अब 12 का माल ग्राहक था, 12-13 को ले वो भी चोर पकड़ा भी गया है। चोर पकड़ा गया है। अच्छा, क्या बता रहा है चोर? चोर बता रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम 5-7 गोटा का नाम बता रहे हैं। अभी इस वक्त मोतिहारी जिला के सिकराना अनुमंडल के ढाका थाना क्षेत्र में है। आज दिवाली है, और दिवाली के दिन ही एक व्यवसायी को पूरा दुखी कर दिया गया है। दुखी इसलिए किया गया है कि जैसा इस दुकान को हम दिखाएंगे, थोड़ा सा अंदर आइएगा, यह दुकान में बड़ी लाखों की सामान मोबाइल का दुकान है, और इस मोबाइल के दुकान में चोरी कर लिया गया। जैसा देख सकते हैं ऊपर यह रैक जो बनाया गया था, ऊपर जब चोरी किया गया, इसके ऊपर अल्वेस्टर है, और अल्वेस्टर को तोड़कर चोर आया, और इस दुकान में जितने भी मोबाइल थी, जितने भी कीमती सामान थी, सभी चोरी कर लिया गया। दुकान मालिक से जानेंगे क्या क्या सामान चोरी। यह घटना आपको कब पता चला? यह घटना हमको पता चला 2:30 बजे करीब में। 2:30 बजे? हाँ। कौन सूचना दिया आपको? सूचना दिया अर्जुन कुमार, गाँव का है अर्जुन कुमार दिया, यानी कि पकड़े हुआ था चोर को, जो ग्वाली भाई का जो छोटा भाई है ना, वो अर्जुन कुमार आया हुआ था, तो यानी कि सर्च करने गया हुआ था, तब पकड़े हुआ था चोर को। जिसमें हमारे पास 80 गो मोबाइल था, अब 12 का माल ग्राहक का था, 12-13 गो ले वो भी गायब है। जिसमें हमारे पास 80 गो में समझिए कि 15 पीस मोबाइल है, 80 गो मोबाइल 80 सेट मोबाइल इसमें रखे हुए थे, जिसमें से कितना चोर? 15 पीस ले है, 15 पीस बचा हुआ है। जो आदमी पकड़ा हुआ है हाथ से पकड़ाया, 5-7 गो मोबाइल वो है। अच्छा, 60-65-70 पीस के लगभग मोबाइल चोरी हुआ है, और ऊपर से गुल्लक फोड़ दिया हुआ है। अच्छा, गुल्लक में पैसा भी था? जी, 4800 रुपया था, और लगभग लगभग 70 पीस मोबाइल, और 4800-5000 के आसपास रुपया। 3 कटरा मिठाई ले गया है। अच्छा, मिठाई का भी इसमें रखा हुआ था बगल वाले रूम में। 3 कटरा मिठाई लेके चल गया है। अच्छा, चोर पकड़ा भी गया है? चोर पकड़ा गया है। अच्छा, क्या बता रहा है चोर? चोर बता रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम 5-7 गोटा का नाम बता रहे हैं। अच्छा, चोर पकड़ा कौन? चोर पकड़ा है अर्जुन कुमार। अर्जुन? हाँ, तो वो भी जाकर हमको कहा कि हाँ चोर पकड़ाया हुआ है, जल्दी आओ दुकान पर, जाके आला वाला किया, हम आए दुकान पे, तो कहे। कितने रुपए के लगभग लगभग आपको चोरी हुई है? हमारा चोरी हुआ अभी तक 1.5 लाख के करीब में, कहे कि एक पूर्व भी चोरी हुआ था 3.5 लाख के करीब में। पहले भी आपके दुकान में चोरी हो चुकी है? पूर्व में चोरी हुआ था 3.5 लाख के करीब में, जिसमें 2 लैपटॉप था, हार्ड डिस्क था, 80-90 पीस मोबाइल था, वो थी खानी ग्राहक का मोबाइल वाला था बनाने के लिए देता है ना, और था चार्जर, ब्लूटूथ, हेडफोन, नेकबैंड था, अभी भी था, अभी 70 पीस ले नेकबैंड था हर मॉडल का। अच्छा, वो भी लेकर चल गया। अच्छा, यानी कि लगभग अभी तक आपके आंकड़े के अनुसार 1.5 लाख के करीब में अभी गया है। अच्छा, पिछलिखा था जो 3.5 लाख के करीब में था। अच्छा, अभी जो चोर पकड़ा थाना में आवेदन दिया आप लोग? अभी आवेदन दिए हैं, अभी 12 बाबू नहीं है, यानी कि कहें कि 10 बजे करीब में आइए। हाँ, लेकिन पकड़ा गया है चोर पकड़ा गया है। तो देखिए, एक बार इधर दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा साइड होइएगा, इधर आइए आप। देखिए, ये चोर कैसे चोरी को अंजाम दिया है, इधर आइए। सबसे पहले नीचे देखिए, जितने भी गुल्लक थे गुल्लक को पूरा फोड़ कर उसका जो टुकड़ा बचा हुआ है यहाँ पर, और टोटल सामान को बिखेर दिया। और इधर देखाइए, इधर जो प्लाई का रैक बना हुआ था प्लाई को तोड़ा है, ऊपर अल्वेस्टर था, अल्वेस्टर को तोड़ हटा कर उसको फोड़ा गया, और फोड़ के ऊपर से आकर इस अंदर दुकान में घुसता है, और लाखों की मोबाइल जो रखा हुआ था यहाँ पर 70 से 80 पीस मोबाइल को चोरी किया, उसके बाद यहाँ से फरार हुआ। आपको कितने बजे पता चला था? हमको 2:30 बजे पता हुआ। 2:30 बजे रात काम हो रहा था, यानी कि 12:30 बजे 12:30 के बाद। अच्छा, रात को दुकान आप कितने बजे बंद की? हम बंद किए हुए 7:30 बजे करीब में, 8 बजे करीब में। 8 बजे करीब में उसके बाद आप घर चले? घर चले गए 2:30 बजे का। घर जब चले गए तो अर्जुन कुमार आए, अर्जुन कुमार आके हमको कहे कि हाँ आपके दुकान पर, यानी कि मामा दुकान पर चोरी हो गया। तब फिर आए हड़बड़ा ले और वह देखे तो पूरा टूटा हुआ है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये चोरी कैसे हुआ। जी, सूचना तो हमको सुबह में मिला है, ग्रामीण एक व्यक्ति है अर्जुन कुमार, वही हमको बताया कि आपके दुकान में चोरी हुआ है। तो हम आनंद फरान में दुकान पे आए, देखे कि पूरा सामान वामान बिखरा हुआ है। एक व्यक्ति को धर दबोचे थे मौके वारदात पे, तो प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन उस समय जिस समय आए, उस समय वो लड़का चोरी कर रहा था? कर रहा था। आप लोग एट ए टाइम वो अर्जुन कुमार उसको पकड़ लिया, और उसके साथ ही जो 3 या 4-5 जो भी व्यक्ति हो अज्ञात में वो भाग गया। मेरा बगल में एक दुकान है मिठाई का, जो माँ भवानी मिठाई दुकान के नाम से है, उसमें तकरीबन 1.5 क्विंटल के आसपास में मिठाई था।
वो टोटल खत्म हो चुका है। तो 1.5 क्विंटल मिठाई ले जाने का मतलब है कि वो अधिक संख्या में लोग आया होगा, ज्यादा संख्या में आया होगा, इसलिए वो सब लेकर गया। यहाँ पे पूरा मोबाइल का जो दिख रहे हैं यहाँ पे पूरा मोबाइल खत्म हो गया। और इसमें टोटल रैक में मोबाइल लगा हुआ था, टोटल मोबाइल यहाँ से खत्म हो चुका है, यानी कि चोर पूरा चोरी करके ले गया है। कहना यही है कि यहाँ जो भी बिजनेसमैन व्यवसायी लोग हैं वो लोग तो अपना काम करते हैं और जैसे ही उन लोगों को गाइडलाइन मिलता है उस पर चलते हैं, लेकिन यहाँ चोरी का घटना बढ़ने का कारण है कि बहुत सारे छोटा छोटा बच्चा लोग सुलेशन उलेशन पीकर रात भर भुगाते रहता है, सुलेशन पी के भी रात भर घूमता है। हाँ, घूमते रहता है। ऐसे तो प्रशासन की गश्ती दल घूमती है, पैदल भी दल घूम रही है, लेकिन उन लोगों का जो गश्ती दल घूमती है मेन शहर सड़क से घुसती है, आगे पीछे तो वो लोग घुसते नहीं है, गाड़ी से लगातार गश्त करते हैं। और उन लोग को लगता है कि हम लोग को ऐसे प्रतीत होता है कि उन लोग को देख करके जो बहू आता है वो आता छुप जाता है, उन लोग को फिर जाने के बाद ये सब घटना को अंजाम देता है। ऐसे भी जो रात की घटना हुई है, 2 जन उसमें 4-5 जन शामिल था, 2 आदमी शायद बाथरूम उथरूम करने निकला है वही देखा है तो 1 आदमी पकड़ाया और 3-4 आदमी तो भाग गया है। और उसके बाद जब पकड़ाया तो वहाँ चौक पे आगे जो चौक है वहाँ गश्ती दल थी, उसको सूचना दिया गया, वो लोग आ करके उसको पकड़ करके ले गए हैं। बाकी अधिकारी से क्या कहेंगे, ऐसी घटना लगातार बढ़ने की संख्या में दिखाई दे रही है? अधिकारी से यही कहेंगे कि यहाँ की जो भी सुरक्षा है उसको दुरुस्त किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से और लागू किया जाए, दूसरा हम ये क्या कहेंगे। धन्यवाद।